नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी इंडिया। मऊ जिले के घुरसी कोतवाली थाना क्षेत्र के पकड़ी बुजुर्ग गांव में बीते गुरुवार को एक प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने भी मामले को प्रेम प्रसंग में हत्या की मानकर जांच कर रही थी, और जब आज पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका ने की थी। फिलहाल हत्यारी प्रेमिका पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही पुलिस ने प्रेमिका के पास से एक तमंचा, खोखा व कारतूस के साथ चार मोबाइल फोन बरामद किया है। बता दें कि इस घटना में प्रेमिका का साथ उसके भाई ने दिया, जो अब सलाखों के पीछे है। रिंकी एवं उसके परिवारी जनों द्वारा हत्या किए जाने का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। रिंकी और रविंदर दोनों दरबारी के पुत्र एवं पुत्री ने गिरफ्तार किया हमारी घोसी पुलिस और स्वाट की टीम ने। पूछताछ से विवेचक को और अन्य को जो प्रकाश में आया, विगत कई वर्षों से रिंकी जो अभियुक्ता है उसका संबंध था। इसी दौरान रिंकी की भी शादी हुई, जो किन्हीं कारणों से समाप्त हो गई ऐसा बताया गया, और मृतक की भी शादी 2-3 साल पहले बनाई गई। पहले मृतक कम पैसे कमाता था, अब ज्यादा भी कमाने लगा। मृतक को अभियुक्ता किसी भी तरीके से अपने लिए चाहती थी। कल इस बात को लेकर के 3 बजे उसी के घर में झगड़ा हुआ था। बाद में बुला करके मृतका द्वारा हत्या कर दी गई और अपने भाई के सहयोग से लाश को गिरा दिया गया और तमाम चीजें की गई। जब सोची कि कोई बचाव का रास्ता नहीं है तो अपने पिता और परिवार समेत वहां से भाग खड़ी हुई। शादी हो गई और इसके बाद भी इनके प्रेम संबंध बने रहे, अस्थाई प्रेम संबंध चाहती रही होगी इसी आधार पर। गोली सर किसने मारी थी? गोली रिंकी के द्वारा मारे जाने बताया गया है, और पूरा सहयोग उसके भाई का।